अगर आप बाली में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो भूलकर भी अभी न जाएं। जाने क्यों इंडोनेशिया में पिछले साल के अंत से खामोश माउंट आगुंग ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद रिसॉर्ट द्वीप बाली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। देखें ज्वालामुखी की तस्वीरें। इंडोनेशिया में पिछले साल के अंत से खामोश माउंट आगुंग ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी में अचानक हुए विस्फोट के बाद उसमें से लगातार लावा निकल रहा है। यही कारण है कि रिसॉर्ट द्वीप बाली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। ज्वालामुखी फटने के कारण यहां धुएं का गुबार हजारों मीटर की ऊंचाई तक आसमान में फैला है। गुरुवार शाम को माउंट आगुंग ज्वालामुखी में विस्फोट के साथ आसमान में 2000 मीटर तक धुआं छा गया और 23,000 फीट ऊंचाई तक राख फैल गई। हालात को देखते हुए 38 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और 10 घरेलू उड़ानों सहित कुल 48 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे 8,334 यात्री प्रभावित होंगे। ऐसे में यहां हजारों पर्यटक फंस गए हैं। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर हेल्प डेस्क नंबर +62 8113867270 जारी किया है। इसके साथ ही 2 दिन के लिए बाली एयरपोर्ट के बंद होने की सूचना भी जारी की गई है। दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र इंडोनेशिया है, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं। इस टकराव के कारण ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी गतिविधियां होती रहती हैं।